बस एक बात बोलूं, तुमने जो किया है ना उससे और ज्यादा प्रूव हो गया कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। ये अम्मा मैम देव सर की वाइफ तो है नहीं, चूने से कैबिन में लेकर चली गई। चल विधि, देव सर की बहन की शादी हुई है उनके घर, रिलेटिव है उनकी, पूरी होगी कोई फैमिली टॉक, हमें क्या। देव दरक्षक मेरा देव, देव वो प्रिया एंड अभिमन्यु उन दोनों के बीच सब ठीक है ना? ठीक है, परफेक्ट। मैं खाना सर्व करवा रही हूँ, आप लोग सब डाइनिंग टेबल पे आ जाइए। और हाँ, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आज से दिन का एक मील कम से कम हम सब साथ में मिलके करेंगे, ओके? ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज, बदली हुई प्रिया। यू नो व्हाट? एक सर्वे के हिसाब से पता चला है कि किसी भी इंसान का पासवर्ड ना उसकी पूरी पर्सनालिटी सामने ला देता है। जैसे कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लैपी का पासवर्ड होगा मिलापनी देवी। नहीं, पापा की परी। नो, मम्मा की मक्खी। नहीं अर्जुन, देव सर। देव सर इज द पासवर्ड। गाइस, हाय सर, हमें इस रेडियो स्टेशन को दोबारा पॉपुलर बनाना है और उसके लिए हमें एक माइंड ब्लोइंग प्लान की जरूरत होगी। संगीता, आई थिंक हमें प्यार के सारे पहलुओं को एक्सप्लोर करना होगा, दर्द, खुशियां, प्यार, सब कुछ। और इसमें आप सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है। दो दो की टीम होगी, इन चिट्स पे सारे स्टाफ मेंबर्स के नाम लिखे होंगे, चिट्स उठाई जाएंगी, एक नाम आएगा, जो नाम आएगा वो आपका पार्टनर है। जिसका एक बार नाम आ गया उसको दोबारा चिट उठाने की जरूरत नहीं। Yes, sir. Yeah. Yes, sir. ऋषभ, अर्जुन सर मुझे दोबारा। नहीं नहीं नहीं, एक ही चांस मिलेगा। ओ हेलो, तुम्हें तो इस चिट को अपने माथे से लगा के भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, कितना कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें मुझसे। You're right, पर तुम्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि तुम एक फॉरेन रिटर्न ग्रेजुएट हो। और विधि, टीप देसी, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छा काम करोगे, अच्छी जोड़ी होगी, सुपर। तुम दोनों को मिलकर काम करके 3 दिन में मुझे एक पोस्टर बना के देना, एक जिंगल और एक टीवी कमर्शियल, ओके? तो गाइज, आप सब लोगों को भी सेम करना है, डोंट फॉरगेट, ये हमारी कंपनी की इज्जत का सवाल है। डोंट लेट मी डाउन, ऑल द बेस्ट, एंड रिमेंबर सिर्फ 3 दिन है। अरे और कोई रह तो नहीं गया ना? ये इसमें भी छपा है, ये मेरी बेटी है। ये बधाई हो भैया जी, बड़ी बात है अखबार में फोटो छपना। अरे हाँ जी, छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो तभी क्या है, इस फोटो को ना मैं फ्रेम करवा लूंगा, तो घर में उसकी एक ग्रेजुएशन वाली फोटो लगाई हुई है, तो उसके साथ ये फोटो भी लगा दूंगा, अच्छी लगेगी देखने में। ये रहे, है ना, ये तो कालूमल की बेटी है। सुमन, सुमन बेटा, ये किसके साथ गई? हेलो
कालू प्यार प्यार क्या है ये प्यार? कितने टाइम से मैं यही सोच रही थी और अब तो ये सवाल ऑफिशियली मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। प्यार है फिक्र। प्यार है मुस्कुराहट। प्यार है हाथ धुलाना। है हाथ धुलाना। वीर्ड लड़की का वीर्ड प्यार। नहीं नहीं मैंने हाथ धुलाना नहीं कहा, मैंने कहा हाथ पकड़ना। प्यार है मुसीबत में हाथ पकड़ना। हाँ चलो गाइस मैं जा रही हूँ। बाय अर्जुन। बाय अनाया। वेट्स यार ये मेरा पहला कंपटीशन है, हमें हर हाल में जीतना होगा। कैंपेन ना सिर्फ हमारा ही होना चाहिए। मुझे ना देव को सर। हाँ देव सर उनको इम्प्रेस करना है। देव सर को तो मुझे भी इम्प्रेस करना है। ग्रेट तो बताओ फिर मेरे घर चले या तुम्हारे घर? घर क्यों? सालसा करने। वो क्या होता है? अरे यार विधि काम के लिए और किस लिए, हम टीम है यार विधि, कम ऑन। पर काम करने के लिए घर जाने की क्या जरूरत है, हम यहाँ भी तो कर रहे हैं ना। विधि विधि कई बार ना जब आप किसी आइडिया में अटक जाते हो तो प्लेस या एटमॉस्फेयर चेंज करने से ना क्रिएटिविटी के बबल्स फूटते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं। समझा करो यार। तो बताओ मेरे यहाँ चले? मुझे ना बहुत लेट हो गया तो मुझे घर जाना होगा। नो इश्यूज, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। ठीक है एक काम करो तुम फटाफट से पैकअप करो और मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बाय बाय। नहीं नहीं मैं अर्जुन को घर कैसे ले जा सकती हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों देव सर? क्यों लेके जा सकते? मैं पापा से क्या कहूंगी और मैं अर्जुन को अच्छे से जानती भी नहीं। उनसे कह देना कि वो तुम्हारा कॉलीग है और काम के लिए तुम उसे घर पे लेके जा रही हो। बोलना कि तुम्हारी डेडलाइन है, यू हैव नो चॉइस। यदि मैं अर्जुन को बचपन से जानता हूँ, उसके माँ बाप को जानता हूँ, अच्छी फैमिली से, अच्छा लड़का है वो, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका होगा तुम्हारे पेरेंट्स को ये दिखाने का कि तुम कैसे लोगों के साथ ऑफिस में काम करते हो, राइट? और वैसे भी ऑफिस में लेट नाइट काम करने से बेटर तो ये है कि घर पे करें, ठीक है कि नहीं? गुड। अच्छा मैं तुमसे वो सॉरी पूछना भूल गया, तुम्हारा कंधा कैसा है? ठीक है सर। दवाई लगा रही हूँ जी। दर्द होता होगा ना थोड़ा सा? जी। हाँ? नहीं नहीं मतलब नहीं सर, इट्स फाइन। चलो गुड। अच्छा मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि तुम वो अपने हिसाब किताब में शायद भूल गई, लेकिन मेरा एक सॉरी बोलना बनता है। सॉरी क्यों? मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, तो तुम्हारे कंधे पे चोट आ गई। सर प्लीज अगर सॉरी बोलने की जरूरत होती तो मैं बोल देती, आपने मेरा बहुत ध्यान रखा था। नहीं नहीं फिर भी सॉरी ना सही बट थैंक यू तो बोलना पड़ेगा। अब थैंक यू क्यों सर? मुझ पे विश्वास करने के लिए। सर थैंक यू बोलते वक्त जब स्माइल करते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। सिद्धि सॉरी सॉरी सॉरी
अर्जुन। दीदी ये अंबा मैम का बैग छूट गया था, गार्ड को मिला है, ड्रॉअर में लॉक करके रख दो, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो दे देना। ठीक है दी, बाय। बाय। इंटरेस्टिंग। तुमसे फिर से वही दो सवाल पूछना चाहूंगी। पहले तो क्या उम्र है तुम्हारी, और दूसरा कभी किसी से प्यार हुआ है? वैसे दोनों सवालों के जवाब है मेरे पास। पहले प्यार हुआ हो या नहीं, लेकिन अब हो गया है। देव से। है ना? एक्चुअली देव है ही ऐसा, उससे प्यार किसी को भी हो सकता है। तुम छोटी हो, नई नई जवान हुई हो, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, जिसे तुम प्यार समझ रही हो ना, वो प्यार नहीं है, उसे इन्फैचुएशन कहते हैं। यू नो इन्फैचुएशन हो जाता है तुम्हारी उम्र में, जैसे ये रुमाल छुपाना, छुप छुप के देखना, छोटी छोटी कविताएं लिखना, इसे क्या कहते हैं पता है? पपी लव। लेकिन इसे प्यार मत समझना, प्यार इन सबसे बहुत परे है, बहुत ऊपर। प्यार तो तब भी हो जाता है जब वो इंसान आपके सामने रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका प्यार आपके साथ रहता है। प्यार नाम है दर्द का, इंतजार का, तड़प का, उम्मीद का। वो उम्मीद के कभी ना कभी वो आपकी तरफ देखेगा और आपसे कहेगा कि जिंदगी साथ बिताना चाहोगे। कभी ना कभी वो आपको, आपके प्यार को, आपकी तड़प को समझेगा। प्यार नाम है जीने का उस वादे के साथ कि अगर वो प्यार नहीं मिला तो मर जाऊंगी। ये होता है प्यार। तुमसे बड़ी हूं, एक एडवाइस देना चाहूंगी। ये इन्फैचुएशन, क्रश, पपी लव, सब ठीक है, करो ना, करना भी चाहिए, लेकिन किसी ऐसे इंसान के साथ जो तुम्हारी उम्र का हो।
और एक बात, देव से प्यार करने के लिए इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए तुम्हारी तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं। ओके क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। मिसेस देव रायचंद। परफेक्ट। मेरे और देव के प्रेजेंट और फ्यूचर में तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हो। न जाने कितने लोगों की दुआएं और प्यार है तुम्हारे साथ। इसका मतलब अम्मा मैम देव सर से प्यार करती है। हाँ भैया हरी प्रसाद, अरे कौन सा पहाड़ टूट गया जो इतना हाय तोबा मचा कर बुलाया। कालू मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे ध्यान से ही सुन रहा हूँ भैया, पर ये तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अरे क्या हुआ है, सब ठीक है ना? अरे सब ठीक होता तेरे को ऐसे बुलाता मैं? एकदम गंभीर है बात, और तेरी बेटी से जुड़ी हुई बात है। बेटी से जुड़ी? हम बस से चलते ना? हम तो बस से चले जाएंगे, लेकिन ये बाइक मना कर देगी। नहीं वो, अरे अब क्या प्रॉब्लम है? वो मैं तुम्हारे साथ मतलब बाइक पे घर हाइट्स। अच्छा तो ठीक है, जाओ तुम बस में ही जाओ, कैंसिल करते नहीं जाते। और मैं देव सर को बता दूंगा दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। नहीं मैं चल रही हूँ। हम लोग गिरेंगे तो नहीं ना, मतलब मैं पहले कभी बाइक पे बैठी नहीं हूँ। What? Seriously? यार तुम कौन से प्लैनेट से हो यार बे? सच्ची। अच्छा एक काम करते हैं, जैसे अंदर चेयर पे बैठती हूँ ना वैसे बैठो। आओ कम ऑन, हॉप ऑन। ओके बैठो आराम से, डरो मत। मुझे ठीक से पकड़ के बैठो, कंधे पे हाथ रख लो। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम चलो। ओके धीरे चलो। मैंने अपनी आंखों से देखा यार, वो सुमन ही थी। मैंने आवाज लगाई उसको, लेकिन उसने मेरी आवाज कौन सुना कर दिया, और वो उस आदमी के साथ ऑटो में बैठ के चली गई। मतलब मुझे बड़ा बुरा लगा है यार, वो ऐसे आदमी ने आवाज मारी और वो रिक्शा में बैठ के चुप नहीं रहना। काली पूछना उसको कि कौन था वो आदमी, किसके साथ गई है वो? तेरी बेटी किसी आदमी के साथ ऑटो में बैठ के चली गई हो, तू इतनी बड़ी बात हो गई है, तू हल्के में ले रहा है इस बात को? कालू तुझे नहीं पता आजकल क्या चल रहा है? मुझे सब पता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी बेटी कुछ भी गलत नहीं करेगी। मानता हूँ कि विधि जैसी सियानी नहीं है वो, पर संस्कार वही है जो तेरी बेटी में है। अपने बाप का सर झुकाने वाला कोई काम नहीं करेगी वो। तेरी चिंता समझता हूं मैं, और अच्छा लगा कि तुझे मेरी फिक्र है। टेंशन मत ले, कुछ गलत नहीं करेगी वो। चल चलता हूं, दुकान छोड़कर आया हूं, शाम को मिलते हैं ठीक है? जय मिलाप। बस ये दरवाजे के पास खड़ी कर दो। अच्छा यही? हाँ। दरवाजे के पास? सही किया, बता दिया तुमने, वरना मैं तो इसे तुम्हारे घर के अंदर कमरे के बाहर ले जाने वाला था।